नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजेश और आप देख रहे हैं एंजल टेक एनालिसिस। तो आज बात करेंगे बैंक निफ्टी के बारे में और बैंक निफ्टी में जो स्टॉक्स ट्रेड करते हैं उनके बारे में कि आज बैंक निफ्टी में किस तरह से मूव रही, बैंक निफ्टी के स्टॉक्स ने आज किस तरह से मूवमेंट किया और जो है मतलब कौन कौन से लेवल ब्रेक हुए, कौन से रजिस्टेंस ने आज काम किया, किस सपोर्ट ने काम किया, इन सब की चर्चा करेंगे। उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको डेली मिलती रहे। हम यहाँ पर डेली वीडियो बनाते हैं और मोस्टली हम ऑप्शन ट्रेडर हैं तो ऑप्शन ट्रेडर के बारे में ज्यादा बातें करते हैं और बैंक निफ्टी के जो स्टॉक्स में जो यहाँ ट्रेड करते हैं उन सब सबकी एनालिसिस हम यहाँ पर डेली की वीडियो में यहाँ पर करते हैं। तो फाइनली यहाँ पर देखिए, जो हम काफी दिनों से देखते आ रहे हैं कि बैंक निफ्टी में एक यहाँ पर रेंज में काम कर रहा था। ऊपर की रेंज थी जो है 30,200 के आसपास और नीचे की जो रेंज थी वो थी 29,000 के आसपास। तो इस रेंज के आसपास ही बैंक निफ्टी काम कर रहा था। फाइनली देखिए, ये पिछले अगर हम देखें 7-8 सेशन से तो मतलब कोई खास कैंडल नहीं बना रहा था। बट जो आज की जो हम मूव देखें, जो एक ग्रीन कैंडल, पूरी हरी भरी कैंडल आप देख सकते हैं कि नीचे से लेके ऊपर तक पूरी, ना कोई सेलिंग का प्रेशर ना कुछ, यहाँ पर टोटल बायर यहाँ पर एक्टिव है और यहाँ पर सेलर्स का कोई यहाँ पर नामो निशान नहीं है। अगर हम बात करें सेलर्स की तो मॉर्निंग सेशन में जो फर्स्ट सेशन था, फर्स्ट सेशन में बहुत जबरदस्त एक सेलिंग देखने को मिली थी और हमने वहां पर सेलिंग के ट्रेड भी बनाए थे। स्टार्टिंग देखिए, जो आज बैंक की निफ्टी की जो स्टार्टिंग हुई है वहां पर देखिए, पहले तो हमको 350 पॉइंट ऊपर की तरफ हमको देखने को मिला, हम अप ट्रेंड गए। उसके बाद फाइनली हम जो है नीचे की तरफ गिरे। उसके बाद हमने जो एक ट्रेंड लाइन थी वहां पर ट्रेंड लाइन ब्रेक हुई, ट्रेंड लाइन ब्रेक होने के बाद हम ऊपर की तरफ निकले। तो चलिए अब हम बात करेंगे बैंक निफ्टी के बारे में कि बैंक निफ्टी के हाई लो जो लगे हुए हैं, आज ओपनिंग देखिए 29,573 पर हुई थी, एक छोटी सी गैप अप ओपनिंग थी। हाई जो लगा वो 30,155 का लगा, प्रीवियस हाई क्रॉस नहीं हो पाया। ये जो प्रीवियस हाई जो लगा हुआ है ये 30,200 के आसपास का है, तो फाइनली आज ये जो हाई क्रॉस नहीं हो पाया और जो इसका लो लगा हुआ है वो 29,473 का लगा हुआ है। तो हम कह सकते हैं कि लो और हाई के बीच में जो डिफरेंस है वो 650 से 700 पॉइंट्स के आसपास का है। तो चलिए अब बात करते हैं 15 मिनट के चार्ट में कि किस तरह से आज मूव हुई। चलिए मैं अब सबसे पहले आपको 5 मिनट का चार्ट, 5 मिनट के चार्ट में लेकर चलता हूं और आपके इंट्राडे के बारे में बताता हूं कि किस तरह से आज जो है ट्रेड वगैरह हमने एग्जीक्यूट वगैरह किए थे। तो ये देखिए, ये हमारा ओपनिंग पॉइंट था, ठीक है। और यहां पर मैंने, अगर आप टेलीग्राम चैनल में अगर आपने देखा होगा तो मैंने यहां पर आपको एक इस तरह से चार्ट बना के आपको भेजा था और एक ऊपर का एरो मैंने बना के दिया था और मैंने आपको वहां पर क्लियर कट बताया था कि अगर ये 29,620 का लेवल ब्रेक करता है तो हम जो है 29,600 की कॉल बाय करने वाले हैं। देखिए, मैं टेलीग्राम चैनल में आपको जो है कंटिन्यू चार्ट पोस्ट करते रहता हूं और वहां पर जो है आपको हिंट देते रहता हूं कि अभी हमने कौन सी स्ट्राइक प्राइस में हम काम करने वाले हैं। देखिए, अगर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से जाके टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पर आपको इंट्राडे चार्ट्स जो है पर आवर वहां पर आपको मिलते रहते हैं, वहां पर हम अपने ट्रेडिंग आइडिया शेयर करते हैं। अगर आप ऑप्शन ट्रेडर हैं तो चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिए। तो चलिए, ये हमने देखिए आपको पहले चार्ट में दिया था, पहला चार्ट जो मैंने आपको पोस्ट किया है टेलीग्राम चैनल में, ये हमारा फर्स्ट ट्रेड था। देखिए, जब यहां पर कंटिन्यू आधा घंटा सस्टेन होने के बाद इसका ब्रेकआउट आया तो मैंने आपको इससे पहले ही बता दिया था कि 29,600 की कॉल हम यहाँ पर बाय करने वाले हैं। और फाइनली देखिए, ये 29,620 से देखिए 29,973-975 के आसपास, तो हम यहां पर कह सकते हैं हमको यहां पर 350 पॉइंट्स की जो है मूव यहां पर हमको कैप्चर होने को मिली। अब देखिए, अब हम नेक्स्ट देखेंगे कि इसके बाद बैंक निफ्टी ने किस तरह से ट्रेड किया। उसके बाद देखिए, यहां पर मैंने आपको एक चार्ट टेलीग्राम चैनल में पोस्ट किया था कि यहां पर एक देखिए डबल टॉप पैटर्न टाइप का यहां पर बन रहा था। यहां पर अगर हम ड्रॉ करके मैं आपको यहां पर दिखाने की कोशिश करूंगा, ये देखिए मैं यहां से लेकर चल रहा हूं, ध्यान दीजिएगा, कर्सर पे ध्यान दीजिएगा। तो यहां पर अगर हम देखेंगे तो यहां पर देखिए एक रेजिस्टेंस लेवल के आसपास जो है बैंक निफ्टी यहां पर दिख रही थी और यहां पर जो सिनेरियो जो दिख रहा था वो भी सेलिंग साइड का ही दिख रहा था। तो यहां पर जो है मैंने बताया था कि यहां पर देखिए अगर 30,200 का लेवल क्रॉस होगा तभी हम बायर साइड में जाएंगे, अदरवाइज यहां से जो है गिरावट आ सकती है मार्केट में। और फाइनली यहां पर अगर आप देखें 29, यहां पर हमको लमसम 500 पॉइंट्स, 500 पॉइंट्स की यहां पर जो है मूव देखने को मिली। देखिए, आज हमको तीन तरफ की मूव हमने आज कैच की है। यहां पर हमने जो ट्रेड लिया, यहां पर 350 पॉइंट्स की मूव हमको देखने को मिली, यहां से जो हमने ट्रेड लिया उसके बाद यहां पर हमको 500 से ज्यादा पॉइंट हमको यहां पर देखने को मिले। उसके बाद फाइनली देखिए, हमने हमारे 5 ट्रेड पूरे हो चुके थे, सो हमने ट्रेड नहीं किया था। उसके बाद अपना पीसी बंद कर दिया था, पीसी नहीं बंद किया था, मतलब मैंने ट्रेडिंग बंद कर दी थी। और फाइनली उसके बाद देखिए, ये जो ट्रेंड लाइन की मैं बात कर रहा हूँ, यहां पर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हुई इंट्राडे में आज। और देखिए, फाइनली जब ये ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट हुई और ब्रेकआउट होने के बाद अगर आप यहां पर देखेंगे तो कितना अच्छा, देखिए आप यहां से
जो है एक डबल बॉटम हम यहाँ पर देखें, अगर ये बॉटम देखिए और इधर वो ये बॉटम देखिए, तो यहाँ पर एक इस तरह का ये देखिए, यहाँ पर एक इस तरह का पैटर्न बन रहा था, तो इस सपोर्ट के आसपास यहाँ पर बाउंस बैक हुआ, और बाउंस बैक होने के बाद फाइनली देखिए यहाँ पर कंटिन्यू जब ये लेवल ब्रेक हुआ, जब प्रीवियस जो है लोअर हाई ब्रेक हुआ, उसके बाद देखिए कितनी जबरदस्त मूव यहाँ पर देखने को मिली। तो हम यहाँ पर अब यहाँ की मूव देखिए, यहाँ पर 29,470 से लेकर 30,000 पार कर गया। तो यहाँ पर ये देखिए कि आपको आपको 600-700 पॉइंट्स ये हमको मूव देखने को मिली, 500 पॉइंट्स की यहां पर मूव देखने को मिली, और 350-400 पॉइंट्स की ये मूव देखने को मिली। मगर मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आप ट्रेंड को अगर पकड़ना जानते हैं, अगर आप टेक्निकल एनालिसिस अच्छे से फॉलो करते हैं, तो यहां पर ऑप्शन ट्रेडिंग में बहुत आसानी से पैसे बनाए जा सकते हैं। बस आपको जो है टेक्निकल एनालिसिस आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए, आपको डाटा एनालिसिस आपका बहुत अच्छा होना चाहिए अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं, तो आपको स्ट्राइक प्राइस आपको जो है बिल्कुल सही चूज करनी होती है। तो चलिए ये तो थी आज की मूव, अब हम बात कर लेते हैं, पहले मैं ये सब चीजें डिलीट कर देता हूं, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि अब हमको जो है मंडे के सेशन में क्या करना है। अब आगे तो हमारी 2 छुट्टियां हैं, वीकेंड है, तो इसमें हम जो है इसमें मैं आप लोगों के लिए कुछ और वीडियो लेके आऊंगा, काफी अच्छी अच्छी वीडियो आप लोगों के लिए मैं लेके आने वाला हूँ इस वीकेंड में। तो अगर मेरे पास टाइम हुआ तो मैं जरूर उस पर मैं जो है काम करूंगा। तो अब देखिए, अब यहाँ पर जो हमारे पास जो लेवल इंपॉर्टेंट है वो है 30,200 का ऊपर। अब यहां पर 30,200 का लेवल जो है, देखिए अगर पिछला हम हाई देखें तो पिछला हाई ये जो लगा हुआ है, ये लगा हुआ है 30,196 के आसपास, ठीक है, मतलब 30,200 का। और यहां पर भी आज हमने जो यहां पर आज हाई लगाया है, वो हाई लगाया है 30,155 का, मीन्स 40 से 50 पॉइंट नीचे है हम ऑलमोस्ट, मतलब हमने जो है प्रीवियस लेवल टच कर लिया है। अब देखिए डाटा एनालिसिस के हिसाब से मार्केट यहां पर काफी बुलिश दिख रही है, ठीक है, और बाकी हम देखेंगे इंट्राडे में किस तरह से हमको पैटर्न मिलते हैं, किस तरह से सपोर्ट और रेजिस्टेंस वहां पर हमको मिलते हैं, तो वो ट्रेड मैं आपको वहां पर कंटिन्यू टेलीग्राम चैनल में अपडेट करूंगा। अब यहां पर हमको करना क्या है, अब 30,200 के ऊपर अगर यहां पर मार्केट निकलती है, मान लीजिए ओपनिंग यहां पर 30,200 के ऊपर आ जाती है, मतलब 30,260, 30,270, तो उसके बाद हमको जो है मतलब वहां से हमको बुलिश हो जाना है, वहां से हम जो है बाइंग का ट्रेड बना सकते हैं। दूसरा अगर हम बात करें, यहां पर देखिए एक ट्रेंड लाइन है हमारे लिए, तो ये ट्रेंड लाइन कंटिन्यू फॉलो कर रहा है इधर, ठीक है। तो अगर यहां पर देखिए डबल टॉप पैटर्न यहां पर एक्टिव हुआ, मीन्स पहला टॉप ये है और दूसरा टॉप ये है, अगर ये डबल टॉप पैटर्न यहां पर एक्टिव होता है, तो उसके बाद जो है हम यहां पर सेलिंग के लिए देखेंगे, और ये ट्रेंड लाइन के आसपास, ट्रेंड लाइन और ये सपोर्ट लाइन इसके आसपास का हमारा टारगेट होगा सेलिंग के लिए, ठीक है। तो यहां पर देखिए मैं आपको सारे सिनेरियो समझा देता हूं दोबारा से। अगर यहां पर फ्लैट ओपनिंग होती है, फ्लैट ओपनिंग होने के बाद यहां पर देखिए 30,220, 30,030, 30,040, मतलब 30,050 के ऊपर, कम से कम एटलीस्ट 30,050 के ऊपर कैंडल क्लोज होने दीजिए, उसके बाद जो है आप बाइंग साइड में जा सकते हैं। अगर मान लीजिए यहां पर कोई भी बैड न्यूज होती है, या फिर मार्केट कोई वर्ल्ड मार्केट के हिसाब से यहां पर कुछ भी नेगेटिव, यहां पर कुछ भी अगर हमको यहां पर दिखाई देता है, या फिर कोई कैंडल यहां पर बेरिश बनती है 15 मिनट की कैंडल, तो यहां पर अभी आपको बेरिश जाने के लिए कम से कम एक 15 मिनट की कैंडल का वेट करना है। वो कैंडल या तो बुलिश बेरिश एंगल्फिंग होनी चाहिए, या फिर शूटिंग स्टार, या फिर डोजी टाइप की, या मतलब किसी तरह की यहां पर कैंडल हो सकती है, मीन्स हमको एक कंफर्मेशन चाहिए। देखिए हम जो कंफर्मेशन लेते हैं वो टेक्निकल एनालिसिस को तो फॉलो करते ही हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन को तो फॉलो करते ही हैं, प्लस उसमें हम डाटा एनालिसिस को भी फॉलो करते हैं, डाटा क्या कह रहा है, ऑप्शन चेन क्या कह रही है, ये सारी चीजें वहां पर हम फॉलो करके ट्रेड बनाते हैं। अब देखिए यहां पर अगर आपको गैप डाउन ओपनिंग मिल जाती है, गैप डाउन ओपनिंग मान लीजिए अब यहां पर जो है हमारे लिए ये सपोर्ट काम करेगा, ये देखिए 29,880 का, अगर मान लीजिए यहां से मार्केट कुछ प्रॉफिट बुकिंग आती है, प्रॉफिट बुकिंग आने के बाद 29,880 के लेवल पर आपको मिलता है, तो यहां से भी आप एक बाइंग का ट्रेड बना सकते हैं। अदरवाइज 30,200 के ऊपर यहां पर क्लियर कट यहां पर बाइंग की तरफ जाना है, बिल्कुल सिंपल यहां पर एनालिसिस है, बिल्कुल कोई यहां पर कोई तामझाम यहां पर नहीं है। 30,250 के ऊपर आप जो है यहां पर बाइंग साइड को देखिए, और यहां पर अगर कोई डोजी टाइप की कैंडल बनती है 15 मिनट की, और उसके बाद मार्केट कुछ नीचे जो है नीचे की तरफ आती प्रॉफिट बुकिंग के लिए, तो आप यहां से जो है बना सकते हैं अपना बाइंग का ट्रेड, ये 29,880 का लेवल, और उसके बाद जो है यहां पर अगर आपको यहां मिलता है 29,500 के आसपास, तो ये सोने पे सुहागा होगा। यहां से देखिए एक तो ट्रेंड लाइन का सपोर्ट है, और ऊपर से ये जो है सपोर्ट है यहां पर, तो हम जो है यहां से अगर हमको यहां पर मिल जाती है मार्केट, तो सोने पे सुहागा होगा, यहां पे बहुत अच्छा ट्रेड मिलेगा और टारगेट भी बहुत अच्छा होने वाला है। तो चलिए बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी में जो स्टॉक्स ट्रेड करते हैं उनके बारे में। तो ये हमारा फर्स्ट है देखिए एक्सिस बैंक। तो एक्सिस बैंक देखिए मैंने आपको बताया था कि यहां पर 590 का जो सपोर्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है यहां पर, और ये जो ऊपर से जो एक ट्रेंड लाइन आ रही है, तो मे बी अब जो है मेरे को लगता है ये मंडे के सेशन में ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हो जानी चाहिए। अब ट्रेंड लाइन ब्रेक होने के बाद मीन्स हम जो है 615 रुपए की क्लोजिंग के ऊपर यहां पर एंट्री
बना सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर बंधन बैंक, तो बंधन बैंक देखिए फाइनली मैंने कल आपको यहाँ पर बताया था कि यहाँ पर जो बाइंग आप कर सकते हैं 380 रुपए के ऊपर, 385 रुपए का मैंने टारगेट यहाँ पर दिया था और फाइनली यहाँ पर जो हाई लगा वो देखिए हाई 396 रुपए का लगा है। तो कल आप जो है मतलब मंडे के सेशन में 396 रुपए के ऊपर बाइंग कर सकते हैं। यहाँ पर आपको 200 और 205 रुपए टारगेट यहाँ पर आपका रहने वाला है। नेक्स्ट है हमारा एचडीएफसी बैंक, तो एचडीएफसी बैंक भी देखिए अभी जिस तरह से बैंक निफ्टी मैंने आपको दिखाया कि एक रेंज में काम कर रही है और फाइनली आज जो है उसने काफी अच्छी मूव दी है। बट यहाँ पर देखिए है तो एचडीएफसी बैंक भी एक रेंज में काम कर रहा है बट यहाँ पर मूव जो है मतलब काफी अच्छा नहीं यहाँ पर मिल पाया। जो अगर एचडीएफसी बैंक अगर आज चल जाता तो फिर आज बैंक निफ्टी काफी ऊपर, बैंक निफ्टी आज 30,200 का लेवल ब्रेक करके ऊपर क्लोजिंग दे सकती थी। बट आज एचडीएफसी बैंक ने वो परफॉर्मेंस नहीं की जो और सब स्टॉक्स ने की है। यहाँ पर देखिए आईसीआईसीआई बैंक, आईसीआईसीआई बैंक ने भी अच्छा प्रदर्शन यहाँ पर किया। देखिए यहाँ पर आपको बताया था मैंने 490 रुपए के ऊपर आप बाइंग कर सकते हैं, 500 का टारगेट मैंने आपको यहाँ पर दिया था, 495 और 500 का, और फाइनली यहाँ पर देखिए यहाँ पर जो हाई लगा हुआ है ये 505 का आज हाई लग गया। तो हमारे यहाँ पर दोनों टारगेट अचीव हो गए। अब सोमवार को यहाँ पर आप जो है 505 रुपए के ऊपर बाइंग के लिए जा सकते हैं, 510 रुपए और 515 रुपए आपका जो है नेक्स्ट टारगेट होगा। इंडसइंड बैंक, ये देखिए इंडसइंड, देखिए मैंने आपको दो स्टॉक्स ऐसे बताए थे बैंक निफ्टी में जिनको आपको शॉर्ट बिल्कुल भी नहीं करना है। एक मैंने आपको बताया था आईसीआईसीआई बैंक और दूसरा मैंने आपको बताया था इंडसइंड बैंक। सो आईसीआईसीआई बैंक का मैंने अभी आपको चार्ट दिखाया, देखिए उसने कितना अच्छा परफॉर्मेंस किया है। और फाइनली देखिए ये इंडसइंड बैंक ने भी ये जो कंटिन्यू रेजिस्टेंस फेस कर रहा था 908-910 के लेवल पर, आज इसने ये भी ये रेजिस्टेंस ये हर्डल भी आज जो है ब्रेक कर दिया है। ये देखिए आज ये ब्रेक करने के बाद इसका जो आज इसने हाई लगा, देखिए मैंने आपको यहां पर बताया था 910 रुपए के ऊपर आपको बाइंग के लिए बताया था, 920-930 का टारगेट बताया था। तो फाइनली यहाँ पर 920 का टारगेट यहाँ पर अचीव हो चुका है। अब 920 रुपए के ऊपर सोमवार को अगर ये निकलता है तो 930 और 940 के लिए इसमें जो है ट्रेड बनाया जा सकता है। नेक्स्ट है हमारा कोटक बैंक, देखिए कोटक बैंक के बारे में कल मैंने आपको एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में कुछ ऐसा मैंने आपको बताया था, मैंने ये बताया था कि ये देखिए मार्केट यहां से कंटिन्यू ऊपर की तरफ जा रहा था, यहां पर इसको एक हर्डल मिला, हर्डल मिलने के बाद इसने जो है नीचे की तरफ का रुख किया, ठीक है, थोड़ा सा करेक्शन होने के बाद फिर फाइनली इसको इसने ब्रेक किया। अब ये जो सपोर्ट था यही रेजिस्टेंस बन गया था, कल मैंने आपको ये चीज बताई थी। अब देखिए ये जो रेजिस्टेंस था अब ये सपोर्ट बन चुका है। सो सपोर्ट बनने के बाद आपको मैंने बताया था कि यहां पर जो कोई हैमर कैंडल अगर यहां पर हमको मिलती है तो हम नेक्स्ट डे जो है बाइंग के लिए जा सकते हैं। सो आज हमको यहां पर हैमर कैंडल मिल चुकी है तो अब यहां पर हम जो बाइंग का ट्रेड बनाएंगे वो ट्रेड बनाएंगे 1860 रुपए के ऊपर। हमारा यहां पर टारगेट होगा 1875 रुपए, 1890 रुपए और जो है 1910 रुपए हमारा यहां मंडे को टारगेट होने वाला है। नेक्स्ट है हमारा आरबीएल बैंक, तो आरबीएल बैंक देखिए मैंने ये अब देखिए अब यहां पर हमने जो है एक ये इस तरह से ट्रेंड लाइन हमने ड्रॉ करके रखी हुई है, ये चैनल की टाइप की आप मान लीजिए, ये जो एक ट्रेंड लाइन आ रहा है अब यही इसके लिए हर्डल है। ओके, अब यहां पर देखिए आज इसने फाइनली निकलने की कोशिश तो की है बट मतलब क्लोजिंग ऊपर नहीं आ पाई है। सो अब यहां पर देखिए वीक जरूर बाहर की तरफ देखिए यहां पर पड़ी हुई है। अब 240 रुपए के ऊपर अगर मंडे में आपको निकलता है, देखिए इस ब्रेकआउट के बाद हम एक यहां पर बहुत जबरदस्त मूव देखने वाले हैं आरबीएल बैंक में, इस चीज का ध्यान रखिएगा बिकॉज आरबीएल इस तरह के जब भी ब्रेकआउट होते हैं तो वो बिल्कुल 90 डिग्री की डायरेक्शन में चलते हैं। सो 240 रुपए के ऊपर अगर ये निकलता है इंट्राडे में तो आप यहां पर बाइंग कर सकते हैं, 243, 246 और 250 रुपए हमारा यहां पर मंडे का टारगेट होने वाला है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, देखिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बारे में कल ही मैंने आपको बताया था कि परसों में मैंने आपको बताया था कि 253 के ऊपर बाइंग करने को, तो इसने जो कल हाई जो लगाया था वो 259 लगाया था और यहां पर मैंने बताया था आपको 256 के ऊपर बाइंग करने के लिए आज के लिए। तो देखिए फाइनली इसने 256 को जो है आज निकाला, 263 का मैंने आपको टारगेट दिया था वो टारगेट अचीव हो गया, 264 का आज हाई लगा है। और अब देखिए मंडे को यहां पर क्या करना है, 265 के ऊपर निकलता है तो यहां पर हमारा टारगेट 268, 271 और 275 यहां पर हमारा टारगेट होने वाला है। देखिए यहां पर देखिए अगर आप ऑप्शन ट्रेडर हैं, ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं तो यहां पर सबसे पहले आपको स्ट्राइक प्राइस जो है सिलेक्ट करनी आनी चाहिए, किस दिन कौन सी स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट करनी है ये सब चीजें आपको आनी चाहिए। मैं इस टॉपिक पर जो है मैं आप लोगों के लिए एक वीडियो लेकर आऊंगा। सो अगर वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक और शेयर उसको जरूर करिएगा क्योंकि उसके लिए मैं काफी मतलब मेहनत कर रहा हूं, काफी चीजें मैं जुटा रहा हूं जो आप लोगों को मैं वहां पर अच्छी से अच्छी जानकारी दे सकूं। दूसरी अगर आप हमारे साथ ट्रेडिंग करना चाहते हैं, जो पर्सनल ट्रेड मैं खुद लेना
लेता हूँ। वही अगर ट्रेड आप खुद करना चाहते हैं, आपको पर्सनल ट्रेड मेरे चाहिए, तो आप हमारे साथ अकाउंट ओपन करिए एंजल ब्रोकिंग में, अलाइस ब्लू में। तो अकाउंट ओपन करने के बाद आपको जो है पर्सनल इंट्राडे ग्रुप में ऐड कर लिया जाएगा, और वहां पर देखिए मैं अपनी कॉल शेयर करता हूँ, जो मैं पर्सनल ट्रेड खुद करता हूँ वही कॉल मैं वहां पर उस ग्रुप में मैं शेयर करता हूँ। सो जो भी अकाउंट ओपन करता है हमारे साथ उसको उस ग्रुप में ऐड होने का मौका मिलता है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसके कोई चार्ज नहीं है। चलिए वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल की वीडियो में। जय हिंद।